Hi viewers, today I have come with the summary of The Rime of Ancient Mariner by S.T. Coleridge. It will be a short summary, but you will know the story behind it. Firstly, I would like to have some introduction. The poem is a long narrative poem which is narrated by the mariner. So here we go. हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं. A group of wedding guests was on its way to a wedding feast when one of them was stopped by an old sailor. बहुत सारे लोग जो थे, अतिथि लोग, गेस्ट लोग जो हैं, सब आ रहे थे कोई शादी के समारोह में. When one of them, जब उनमें से किसी एक को जो है, was stopped by an old sailor, एक बूढ़े नाविक के द्वारा रोक लिया जाता है. He was eager to tell him his story. वह काफ़ी तत्पर था उसको अपना कहानी बताने के लिए. The sailor insisted upon it and the guest was forced to stay back and listen to his story. कहानी काफ़ी लंबी थी तो वो सुनना नहीं चाहता था, फिर भी उसे जो है फोर्स किया गया, ज़बरदस्ती उसे रुकने के लिए कहा गया कि आपको मुझे कहानी सुननी पड़ेगी. द मारिनर बिगन हिज स्टोरी, वो अपना कहानी शुरू करता है. दैट हाउ देयर शिप सेल्ड फ्रॉम द हार्बर ऑन ए हैप्पी नोट, किस तरह से जो है उसकी एक सुखद यात्रा की शुरुआत हुई थी. दे हैड अ स्मूथ जर्नी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच अ स्टॉर्म ड्रोव देयर शिप साउथवर्ड्स टुवर्ड्स स्नो एंड मिस्ट. तो एक आंधी की वजह से जो है दक्षिण की तरफ उसकी नाव चली गई. वजह था, कुहासा था और बर्फ भी गिर रही थी. द शिप गॉट स्टक इन द लाइफलेस रीजन, जहाज एक ऐसे जगह पर फंस गया जहाँ जीवन मुश्किल था. चारों तरफ पानी ही पानी था, विद अ ह्यूज मासेस ऑफ आइस सराउंडिंग इट, चारों तरफ पानी और बर्फ ही था. द आइस मेड थंडरस साउंड्स एज इट क्रैक्ड, और वह जैसे टूटता तो बहुत ही एक भयंकर आवाज़ होती थी. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एन एल्बेट्रॉस केम फ्लाइंग थ्रू द मिस्ट, कुहासे से एक एल्बेट्रॉस पक्षी, जो समुद्री पक्षी होता है, उड़ता हुआ आता है. इट वॉज ट्रीटेड टू बी ए नॉवल सॉल, बहुत ही वो मासूम और निर्दोष कहा जा सकता है उसको. ए हॉली मैसेंजर ऑफ गॉड, और इसे भगवान का दूत भी माना जा सकता है. विथ इट्स अराइवल द स्नो क्रैक्ड एंड गिव वे टू द शिप, और इसके आने के साथ ही क्या हुआ, बर्फ बीचों बीच दरार आ गया बर्फ में. एंड गिव वे टू द शिप, और जहाज को रास्ता मिल गया. विच वंस अगेन स्टार्टेड सेलिंग, और जहाज तैरना शुरू हो गया. द हॉली बर्ड एकॉम्पनीड द शिप, और वह पक्षी जो है पीछा कर रहा था उस जहाज का, उसके साथ साथ जा रहा था. एंड वॉज फेड अप बाय द क्रू, ए फेवरेबल साउथ विंड ब्लू विच ड्रोव द शिप आउट ऑफ द कर्स्ड लैंड ऑफ स्नो एंड मिस्ट. और फिर क्या हुआ, फिर हवा चली और गलत दिशा में जो है, चूँकि उस समय इंजन नहीं हुआ करता था, वो हवा के सहारे ही जो है लोग यात्रा करते थे. तो हवा जब गलत दिशा में चलेगी, स्वाभाविक है नाव भी गलत दिशा में जाएगी, जहाज भी गलत दिशा में जाएगी. द सेलर्स थैंक्ड द बर्ड एज इट वॉज ए गुड ओमेन फॉर देम, नाविकों ने उसको शुक्रिया भी कहा एल्बेट्रॉस को, क्योंकि उसने उसके लिए कुछ अच्छा किया. द वेडिंग गेस्ट नोटिस्ड दैट द सेलर्स फेस सडनली टर्न्ड सैड, अब जो सुन रहा था इस कहानी को वो अचानक से नोट करता है कि वह सैड हो गया, नाविक जो कहानी सुना रहा था. द सेलर आंसर्ड हिज क्यूरियोसिटी दैट इन अ स्पर ऑफ द मोमेंट विथ हिज क्रॉस बो ही हैड शॉट द बर्ड डेड, अब चेहरा गिर इसका थोड़ा उदास होता है और वह कहता है कि मैंने उस चिड़िया को एक धनुष से मार दिया, तीर से मार दिया. His fellow salesmen blamed and cursed him for killing the holy bird. उसके साथ जितने भी उसके साथी लोग थे, सबों ने उसे कहा और शिकायत भी की उससे, उस पर उंगली उठाई कि तुमने उसे मारकर गलती करी है, एक पवित्र पक्षी को मारा. But later they felt that he was right in killing the bird which had brought the fog and mist. लेकिन उनकी मान्यता थी कि इसने कुहासा और गलत तरीके की हवा को
जो है लाया, इसलिए उसे जो है मार दिया। बाद में वे लोग भी सही मानने लगे इसे। फॉर सम टाइम द शिप केप्ट ऑन सेलिंग, कुछ देर के लिए नाव तो चलता रहा स्मूथली टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ। सडनली अचानक द विंड स्टॉप ब्लोइंग, हवा चलना बंद हो गया। एंड द शिप केम टू ए स्टैंड स्टिल, और जहाज पूरी तरह से बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया। ग्रेजुअली देयर स्टॉक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फिनिश्ड, पीने का पानी खत्म हो गया। एंड ऑल्दो देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड देम, हालांकि उनके चारों तरफ पानी ही पानी था, दे डिड नॉट हैव ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ये बहुत ही फेमस लाइन है इस पोएम का, Everywhere water, water everywhere, but nor a drop to drink, एक बूंद भी पीने के लिए नहीं। The sea was so quiet, समुद्र इतना शांत था, that it was seemed to rot, and ugly creatures moved on its surface, बहुत ही एक अजीब अजीब तरह के जीव जो है उसके सरफेस पर चल रहे थे। They felt that the birds soul had followed them to take revenge, और उन्हें लगा कि उस चिड़िया की आत्मा ने जो है उससे बदला लेना शुरू कर दिया है। Their mouths were so dry that they were unable to speak. उसके मुंह पानी के बिना सूख रहे थे, प्यास से सूख रहे थे, और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, जितने भी नाविक थे। All the crew stared at the mariner with hatred. और उस मारिनर को जो यह कहानी सुना रहा है, सभी नफरत घृणा की दृष्टि से देखने लगा, क्योंकि उसने ही उसको मारा था, एल्बेट्रॉस को। They removed the cross which he wore around his neck and hung the dead albatross in its place to signify his sin and guilt. और उसके गले से जहाँ पर उसको तीर लगा हुआ था albatross को, उसे निकाला और उसको टांग दिया, ताकि उसे एहसास हो कि उसने पाप किया है। The poem is based on the theme of sin and redemption, पाप, और फिर से उसका रिकवरी होता है, फिर से ठीक हो जाता है। आफ्टर द एंशिएंट मारिनर कमिट्स ए सिन बाय किलिंग द एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस नामक पक्षी मारकर जो है वह एक पाप करता है, अपराध करता है। गिल्ट हाउंट्स हिम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंज नेचुरल एंड सुपर नेचुरल फिनोमेना, एक प्राकृतिक और जो है एक काल्पनिक भी कह सकते हैं घटना के द्वारा जो है उसे एक संदेश मिलता है कि प्रकृति उससे बदला लेती है, या फिर उस एल्बेट्रॉस का सॉल। ड्यूरिंग वन टेरिफाइंग एक्सपीरियंस ही हैज़ स्टेंस ऑफ हर्ट एंड रिपेंट्स हिज रॉन्ग डूइंग, और जो है एक समय आता है जब उसे रियलाइजेशन होता है, एहसास होता है कि उसने गलत किया, एंड रिपेंट्स हिज रॉन्ग डूइंग, और अपने किए पर पछतावा होता है उसे। ही कैरीज आउट ए पेनेंस which is to travel the world to tell his tale to strangers, और उसी जब किसी तरह वह वापस अपने घर पहुंचता है, तो उसी दिन से यह जो है हर किसी को जो भी इसको मिलता है उसे यह कहानी सुनाती रहता है। देखिए ओवरऑल ये कहानी बहुत तरीके से इम्पॉर्टेंट है, एक जो कहानी इसमें कहा जो गया, जिस वे में इस कविता में कहानी को एक मर्ज किया गया है, ये बहुत ही टेक्निक इसका जो एसटी कॉलरेज ने जो अडॉप्ट किया है बहुत ही बेहतरीन है। और ये लिरिकल बैलाड्स का लास्ट पोएम है जो कि 1798 में पब्लिश हुआ है, और आप सभी जानते होंगे रोमांटिक पोएट्स में गिने जाते हैं एसटी कॉलरेज और इसके साथ साथ विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक दूसरे के दोस्त भी थे, और इन्होंने मिलकर लिरिकल बैलाड्स को कंपोज किया था दोनों से साथ मिलकर ही। और इस कविता की बात करें तो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, और इसके बहुत सारे क्वालिटीज़ भी हैं, आप यदि पढ़ना चाहें इसमें रोमांटिक एलिमेंट्स हैं, फिर इमेजिनेशन, चूँकि रोमांटिक पोइट्री है तो इमेजिनेशन तो स्वाभाविक है, होना ही है, और नेचुरल ब्यूटी को भी डिस्कस किया गया बहुत बार। एक समय आता है जब वो मारिनर जो है सनसेट के टाइम में, उसे सूर्य सनसेट जब सूर्य डूब रहा होता है, तो उसे एक प्रकृति की अजीब सी सुंदरता, एक जलता हुआ सा प्रकाश जो पानी में दिख रहा था छाया बनकर, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक्चुअली ये क्या है कि नेचर इस पोएम में रिवेंज लेता है। देखिए किस तरह से इनोसेंट बर्ड को जैसे ही वो मारता है तो उसके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रकृति को प्रशंसा करने लगता है, प्रकृति के बारे में बातें करने लगता है, उसे प्रकृति अच्छा लगने लगता है, तो फिर वापस सब कुछ ठीक हो जाता है और किसी तरह वह घर पहुँच जाता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching the video. This was Amit Sir.